देश में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में जब सत्ता में भाजपा की सरकार है तो सवाल भी भाजपा के नेताओं से ही होंगे। आज इस वीडियो में हम बात भाजपा के कुछ नेताओं की करेंगे जिन्होंने अजीबोगरीब बयान दिए हों या फिर खुद नियमों की पालना न की हो। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के भाजपा नेता प्रेम सिंह का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है, आप खुद ही सुनिए वे क्या कह रहे हैं। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजी ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रैली के बाद आम जनता के साथ वे हाथ मिलाते नजर आए। मध्य प्रदेश के एक और भाजपा नेता का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे शव ले जाने वाली गाड़ी के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाते नजर आए। ऐसा ही एक मामला इंदौर में भी सामने आया था जिसमें गुजरात से ऑक्सीजन लेके आ रहे एक ट्रक को भाजपा मंत्री और कार्यकर्ताओं ने रोककर तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। सामह शांति रेदी सुशांति रवतु सिद्ध श्रीमन महा गणाधिपतये नमः गजानंद भगवान। देश में कुंभ मेला जारी है और वहां भी काफी भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस पर सवाल हुआ तो आप ही सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया। सुनिए जी, मतलब एक केवल हॉल के अंदर था, वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, ना उधर घूमने की जगह नहीं, इधर पलटने की जगह, वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में सब सोए पड़े हुए थे और एक से एक चिपका हुआ था, रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं, तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझसे नापना तोड़ना ठीक नहीं है, वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे और यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में यहाँ ओपन है और गंगा के पास है, माँ गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना का, तो विषय होता है ना। असम के नेता से जब ललन टॉप के पत्रकार ने कोविड महामारी के दौरान मास्क ना पहनने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मास्क पहनने से मना किया और कहा कि कोविड नहीं है। तो हजारों लोगों का मैं यही आपसे पूछने वाला था, जरूरत नहीं, तरफ इतनी सख्ती और अब मास्क की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं अभी। जब सर केंद्र सरकार लगातार केंद्र सरकार अपना निर्देश दे, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो, अभी आप हमको तो इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा, ब्यूटी पार्लर भी चलना सही है। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बंगाल में चुनाव रैली करते देखा जा सकता है। हाल ही में अमित शाह ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुंभ मेला हो या फिर रमजान, इनमें कोरोना के लिहाज से अमल में लाए जाने वाले नियम और बर्ताव का पालन नहीं हुआ है, ये हो भी नहीं सकता।
यही वजह है कि उन लोगों को अपील करनी पड़ी और कुंभ अब सांकेतिक मेले में तब्दील हो चुका है। शाह ने ये बातें अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान कही। देश में कोरोना के मामले पहले से ही बढ़ रहे थे, तो इसे ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले सरकार कुंभ मेले और बाकी धार्मिक प्रोग्राम को लेकर पहले भी कर सकती थी। दूसरी तरफ मोदी जी भी बंगाल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, उनकी रैली में भीड़ भी देखी जा सकती है, जिसे देखकर खुद मोदी जी भी हैरान थे। देखिए, मैं यहाँ दो बार आया हूँ लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी एक चौथाई लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दिए। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। सत्ता में भाजपा की सरकार है तो जिम्मेदारी भी उनकी ही है कि कोरोना से देश को कैसे बचाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ सख्त कदम उठाएगी ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।